चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं आज के राशिफल की। 9 जून 2020 दिन मंगलवार किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातक जातिकाओं के लिए आज का जो दिन बना हुआ है वह बहुत ही सुंदर कहा जा सकता है। आज शनि देव, बृहस्पति देव और चंद्र देव इकट्ठे हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आज अपने कैरियर में विशेष उन्नति देखने को आपको मिलेगी। कैरियर में, रोजगार में, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगी। अपनी ड्यूटीज़ की तरफ आप आज ध्यान लगाने वाले हैं। आज मान सम्मान यश की भी प्राप्ति का योग बनेगा। आज पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। कार्य क्षेत्र पर बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग आपकी अच्छी हो सकती है। आज आपको कोई पद मिल सकता है। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। धन के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। समाज में आपका आज रुतबा बढ़ सकता है। राज्य पक्ष से आज आपको लाभ मिल सकता है, यानी कि जो जातक सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें आज विशेष लाभ होने का योग दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों का भी आज पढ़ने में मन काफी लग सकता है। आज कम मेहनत से भी अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से आज का दिन ठीक कहा जा सकता है। दाम्पत्य जीवन की खुशियां भी यहाँ पर लगभग ठीक हैं, आज से ठीक होनी और शुरू हो जाएंगी। कैरियर का जैसे मैंने बताया आज विशेष दिन रहेगा, तरक्की मिलने का दिन है। इनकम उतनी हो रही है जितने में काम चलता रहे। दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, छोटे भाई बहनों की मदद करें, दिन आपके लिए शुभ होगा। भाग्यवर्धक रंग आज आप लोगों के लिए बनने वाला है लाल रंग और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहां पर बहुत सुंदर 75 से 80%। वृषभ लगन, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का जो दिन रहेगा वह भाग्य को बढ़ाने वाला है। अपने ही एफर्ट्स से आज आप अपने भाग्य को बढ़ाएंगे। आज आपके छोटे भाई बहन आपकी मदद करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी आपकी मदद करेंगे। अपने खुद के प्रयत्नों से आज सफलता हासिल करेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। धार्मिक गतिविधियों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। हायर स्टडीज़ करने वाले जो जातक रिसर्च के कार्य में जुड़े हुए हैं उन्हें आज कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। और इसी के साथ दर्शकों, आज आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। आज आप जो भाग दौड़ करेंगे उसका भी आज आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो शारीरिक स्ट्रेंथ है वह भी बढ़ती हुई आज नजर आएगी। सेहत में इम्प्रूवमेंट फील होगी, सेहत अच्छी दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग भी आज सफलता हासिल करने वाला है। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की जो खुशियां हैं उसमें भी आज ठीक दिखाई दे रहा है। कैरियर के लिहाज से भाग्य का साथ मिलेगा आज। इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम भी यहां पर पहले से इम्प्रूव हो रही है, ठीक होती हुई नजर आ रही है। बड़े बुजुर्गों की गाइडेंस से आज आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आज के दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए क्या करना है? भाई करना यही है कि आज खास तौर पर लाल मसूर की दाल, एक कटोरी में लाल मसूर की दाल भरकर किसी धर्मस्थान पर रखकर आए दक्षिणा के साथ, और किसी यंग ब्राह्मण का आज आप आशीर्वाद लें। भाग्यवर्धक रंग आज आप लोगों के लिए बनने वाला है मैरून कलर और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहां पर 85%। मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का जो दिन रहने वाला है, चंद्रबल कमजोर रहेगा जिसके चलते आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। आज इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको बाधाओं अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे रुष्ट होकर आज आप एकांत में अपना समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। गुप्त तंत्र मंत्र विद्याओं की तरफ, अकल्ट साइंस की तरफ आज आपका ध्यान अधिक लगा रहेगा। आज कुछ रहस्यमय
चीज़ों की तरफ ध्यान लगा रहेगा, अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। सेहत मध्यम कही जा सकती है। विरक्ति और एकांतवास आज अधिक दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्ग को भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकती है। प्रेम प्रसंगों में खर्च की अधिकता, दाम्पत्य जीवन की जो खुशियाँ मिलीजुली कही जा सकती हैं, इस समय दाम्पत्य जीवन का सुख इतना नहीं मिल रहा है। कैरियर के लिहाज से भी बाधाएं अड़चनों को पार करने के बाद सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं सीक्रेट वे में अपने कुछ कार्य करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गुपचुप गुपचुप कुछ कार्य किए जा रहे हैं इस समय। और इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम का योग यहाँ पर अच्छा खासा लगातार बना हुआ दिखाई दे रहा है। इतना तो नहीं लेकिन फिर भी पहले से ठीक है। आज ही के दिन यदि आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आज के दिन को शुभ करना चाहते हैं, तो क्या करना है भाई? करना यही है, सबसे पहला काम आज गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। ओम भूम भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी शुभ रहेगा। भाग्यवर्धक रंग आज आप लोगों के लिए बनेगा मैरून कलर, और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहाँ पर मात्र 55%। कर्क लग्न कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का जो दिन रहने वाला है वह काफ़ी शुभ है। आज दाम्पत्य जीवन की खुशियों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पार्टनर्स पर, जीवन साथी पर, अपोजिट व्यक्तियों पर आज आपका ध्यान अधिक लगा रहेगा। बिजनेस को एक्सपेंशन की तरफ, एक्सपेंशन मोड में कैसे ले जाएं, कैसे व्यापार को बढ़ाएं, कैसे रोजगार के साधनों को बढ़ाएं, कैसे अपनी रूटीन इनकम को बढ़ाएं, इस पर ध्यान अधिक लगाएंगे। सेहत अच्छी नज़र आ रही है। आज अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव होगा। विद्यार्थी वर्ग जो है उनके लिए भी आज का दिन सफलतादायक है। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिल रही है। थोड़ी बाधाएं अड़चने पार करने के बाद कैरियर के लिहाज से दिन आज का ठीक है। पहले से इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। कुछ आज अच्छा और बेटर सोचने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन की खुशियां पहले से ठीक है। इनकम के लिहाज से लगातार इनकम में बढ़ोतरी का योग दिखाई दे रहा है। आज के दिन को बेहतर करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्यवर्धक रंग बनेगा लाल, और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहाँ पर 66%। सिंह लग्न सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का जो दिन रहेगा वह रोग ऋण शत्रुओं को लेकर मन में चिंता भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विपरीत राजयोग के चलते पहले विषम स्थितियां देखनी पड़ेंगी, उसके बाद सफलता का योग बनेगा। सेहत को लेकर कोई पुराना रोग मतलब परेशान कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज कॉम्पिटिटिव अधिक रहना पड़ेगा, सफलता हासिल करेंगे। प्रेम प्रसंगों की अगर हम बात करें तो प्रेमी प्रेमिका से खास रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा है। प्रेमी प्रेमिका शत्रुवत व्यवहार भी कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की जो खुशियां हैं वह यहाँ पर मिलीजुली कही जा सकती हैं। एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ठीक कही जा सकती हैं। पहले तो पार्टनर्स के साथ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करें। दूसरा, क्रोध अग्नि को अपनी रिलेशनशिप में ना रखें। कैरियर के लिहाज से आज से फिर से तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। इनकम और इच्छाओं की पूर्ति लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम इस समय बना हुआ है। आज के दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए क्या करना है? मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और कोशिश करें आज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्यवर्धक रंग आज आप लोगों के लिए बनेगा लाल, और भाग्य प्रतिशत यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है 66-68%। कन्या लग्न कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का जो दिन रहेगा वह काफ़ी अच्छा है। स्पेकुलेटिव गेंस होने का योग दिखाई दे रहा है। पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है।
अचानक से आज ज्ञान में वृद्धि, धन में वृद्धि, संतान के सुख में वृद्धि, लव रोमांस में वृद्धि दिखाई देगी। सेहत काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। विद्यार्थी वर्ग को भी आज विद्या में सफलता मिल सकती है, प्रेम प्रसंगों में सफलता है, दांपत्य जीवन की खुशियां यहाँ पर ठीक है। कैरियर में एक जबरदस्त परिवर्तन लेने के मोड में हैं आप, जबरदस्त छलांग लगाने के मूड में हैं। इनकम की अगर हम बात करें तो आज अचानक से धन में वृद्धि, इनकम में वृद्धि का योग बना हुआ है। आज बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आज के दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए कोशिश करें, गुड़ का दान करें, गुड़ से बने हुए चावल का दान करें तो ज्यादा अच्छा है। भाग्यवत का रंग आज आप लोगों के लिए बनेगा लाइट पिंक कलर, और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहां पर 80%। तुला लगन तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का जो दिन है वह काफ़ी मध्यम है। आज घर से ही अपने काम निपटाने का प्रयास करेंगे, घर से कोई नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। चंद्रबल कमजोर रहेगा जिसके चलते आज शुभ मुहूर्त आप लोगों के लिए नहीं बनते हैं। परिस्थितिवश यदि कोई आपको शुभ मुहूर्त करना पड़ता है तो आप अभिजीत मुहूर्त का सहारा ले सकते हैं। सेहत आपकी मध्यम है, मन में चंचलता अस्थिरता लगी रहेगी, कुछ चेंज करने का मन करेगा, रात्रि काल में नींद नहीं आएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन का माहौल, प्रेम प्रसंगों में मध्यम सफलता, दांपत्य जीवन की जो खुशियां हैं उनमें लव रोमांस में वृद्धि हो रही है, लेकिन क्रोध अग्नि बीच में आकर सब डिस्टर्ब भी कर रहा है। इनकम कुछ रुके हुए अटके हुए धन से, गुप्त धन से, अंडरग्राउंड धन से, और आज के दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए क्या करना है भाई, करना यही है बजरंग बाण का पाठ करें, लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। भाग्यवर्धक रंग आप लोगों के लिए बनने वाला है पीच कलर, और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहां पर 66%। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का जो दिन रहेगा वह हिम्मत और पराक्रम को बढ़ाने वाला, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने वाला, पड़ोसियों अड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने वाला, और इसी के साथ दर्शकों बताना चाहेंगे आज आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, भाग्य के दम पर आज आस पड़ोस के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, कार्य क्षेत्र पर अधीनस्थ और सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। सेहत आपकी अपनी खुद की अच्छी है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा आज मतलब ध्यान इधर उधर की बातों में भटकेगा, आज छोटी मोटी यात्रा करने का भी कोई योग बन सकता है। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से आज का जो दिन रहेगा वह मध्यम है, दांपत्य जीवन की खुशियां ठीक है, मिलीजुली कही जा सकती हैं। कैरियर के लिहाज से पार्टनरशिप के सहयोग से, पार्टनर्स के सहयोग से कैरियर में वृद्धि, जीवन साथी के सहयोग से कैरियर में वृद्धि का योग। इनकम रुके हुए अटके हुए धन से हो रही है, ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया वह पार्टनर का धन हो सकता है, गुप्त धन के माध्यम से आपकी इच्छाओं की पूर्ति का योग दिखाई दे रहा है। आज के दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए मस्तक पर लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं, थोड़े से गुड़ का सेवन करें हल्के से। भाग्यवर्धक रंग आज आप लोगों के लिए बनेगा लाल, और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहां पर
68%। धनु लग्न धनु राशि के जो जातक है उनके लिए आज का जो दिन रहेगा, गुप्त धन के माध्यम से आज धन में वृद्धि का योग बनेगा। वाणी पर आपको आज ध्यान रखना होगा, अच्छी भाषा का प्रयोग करने से आज अपने कुटुंबियों के बीच अच्छा तालमेल बनाएंगे। धन कैसे बढ़ाएं, सेविंग कैसे बढ़ाएं, बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाएं, इस पर ध्यान लगाएंगे। सेहत आपकी आज मध्यम रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी मध्यम सफलता का योग है। प्रेम प्रसंगों की अगर हम बात करें तो प्रेम प्रसंगों में कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है, लगातार यह योग चल रहा है। दाम्पत्य जीवन की जो खुशियां हैं वह मिलीजुली कही जा सकती हैं। कैरियर के लिहाज से पार्टनर्स की मदद से कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इनकम की अगर हम बात करें तो उसके लिए संघर्ष करने के योग दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्यवर्धक रंग बनेगा लाल और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहां पर 60%। मकर लग्न मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफी शुभ है। नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ आज काम करेंगे। आज खास तौर पर कैरियर का ध्यान, अपना ध्यान रखेंगे, बस स्वयं पर केंद्रित रहेंगे। पुराने कार्यों का मूल्यांकन करके आगे बढ़ने का आज प्रयास करेंगे। आज दिल और दिमाग एकदम सीध में होंगे आपके। सेहत पहले से इंप्रूव हो रही है। विद्यार्थियों के लिए आज का जो दिन रहेगा वह मध्यम है। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन की खुशियां अच्छी हैं। कैरियर अच्छा दिखाई दे रहा है। इनकम के लिहाज से भी अच्छा समय चल रहा है। धन में भी वृद्धि चल रही है। बस थोड़ा गुस्सा, अग्नि बहुत आ रही है, वाणी जो है ना उसमें गुस्सा झलक रहा है, उससे थोड़ा सा बचें। परिवार में कलह कलेश की स्थिति ना उत्पन्न होने दें। आज के दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए गुड़ का दान करें। भाग्यवत का रंग आज बनेगा पीच कलर और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहाँ पर 66%। कुंभ लग्न कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का जो दिन रहेगा, चंद्रबल कमजोर रहेगा, जिसके चलते आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। आज स्वयं का अपना फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अपना ध्यान रखें। भावनाएं बह सकती हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, फिजिकली अपना ध्यान रखें। खर्च हानि के योग भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिजनेसमैन निवेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। गुस्से क्रोध अग्नि से बचने का प्रयास करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जो भी कार्य करना है सोच समझ कर करें। विद्यार्थी वर्ग को भी आज पढ़ने में ध्यान कम लगेगा। प्रेम प्रसंगों में अनैतिक संबंध बनाने से बचें। दाम्पत्य जीवन की जो खुशियाँ हैं वह मिलीजुली कही जा सकती हैं। कैरियर के लिहाज से आज का दिन मध्यम रहेगा। नया निवेश ना करें। इनकम के जो चांसेस हैं वह मध्यम है। आज के दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए लाल मसूर की दाल दान करें और कोशिश करें अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करें। भाग्यवत का रंग आज आप लोगों के लिए बनेगा मैरून कलर और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहां पर 55%। मीन लग्न मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का जो दिन रहेगा वह सुंदर है। आज अचानक से धन में वृद्धि का योग बनेगा। मित्रों का लाभ होगा। परिवार में बड़े भाई बहन अग्रज आपकी मदद करेंगे। सोशल सर्कल में इम्प्रूवमेंट होगी। प्रमोशन होने का कोई योग बन सकता है। इंक्रीमेंट इंसेंटिव बोनस में वृद्धि हो सकती है। इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बनेगा। अचानक से धन में वृद्धि का योग। संतान पक्ष मजबूत होगा। लवर मास में वृद्धि होगी। प्रेमी प्रेमिका के साथ आज मुलाकात भी हो सकती है। सेहत मध्यम है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी दिन ठीक है। प्रेम प्रसंगों में सफलता। दाम्पत्य जीवन की खुशियां अच्छी। कैरियर मध्यम दिखाई दे रहा है। आज कोई बड़ी प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। इनकम के चांसेस आज एक से अधिक स्रोतों से होंगे। आज के दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए क्या करना है
मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्यवत का रंग आज आप लोगों के लिए बनेगा गुलाबी रंग और भाग्य प्रतिशत आ रहा है यहाँ पर 78%। दर्शकों यह था आज का राशिफल, कल फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।